मैं कई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाता हूँ, बच्चों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, कोई कोचिंग नहीं है मेरा, लेकिन मैं कई संस्थाओं से जुड़ते हुए IIM, IIT, बिहार रिपार्ट, बिहार पुलिस अकेडमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन UGC, इन सभी से जुड़ करके पढ़ने पढ़ाने की दिशा में काम करता हूँ। उसके पीछे एक कारण यह है कि मैं शिक्षक पुत्र हूँ, तो शिक्षक पुत्र हैं और बहुत कुटाई खाए। पुराने ज़माने में, आजकल शायद बंद हो गया है, आजकल नहीं पिटाई होती है, लेकिन हम लोगों को माता पिता का आशीर्वाद पिटाई के रूप में मिलता है। और मैं आपको वाक्य बताता हूँ, 1986-87 में बिहार के ही आमिर सुभानी साहब टॉप किए थे। मैं उस समय सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। 85 में मैंने इंटर किया, उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज PMCH में गया था, तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो ये टॉप करके UPSC वगैरह का कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, ये क्या एग्ज़ाम होता है, कुछ नहीं पता। घर जब पहुँचे तो पिताजी ने बहुत मारा, 10 वर्षों तक समझ में नहीं आया क्यों मारा। अरे भाई, कोई दूसरा टॉप कर गया, कोई पता नहीं कोई अजीब से एग्ज़ाम में, तो मेरे को क्यों पिटा जा रहा है। तो ये उनकी तरफ से एक इशारा था कि बेटा तुम तैयारी करो, इस दिशा में बढ़ो। आपकी क्या इच्छा, क्यों बनना चाहते हैं, क्या कारण है? क्या सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए बनना चाहते हैं, बड़े मकानों के लिए बनना चाहते हैं, पैसों के लिए बनना चाहते हैं? पैसे भी रिस्पेक्टेबल हैं, सरकार बहुत तनख्वाह देती है। या फिर कुछ और चीज़ है आपके अंदर, वो जज्बा है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आप सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं? और ये सबसे पहला प्रश्न होता है इंटरव्यू में, यही पूछा जाता है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इंजीनियरिंग छोड़ के आप क्यों आ रहे हैं। आप डॉक्टर हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप डॉक्टरी छोड़ कर क्यों आ रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं ह्यूमैनिटीज़ में तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने लॉ क्यों नहीं किया, आपने दूसरा क्यों नहीं किया। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बस आप दे सकते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। इस प्रश्न को ढूंढने का प्रयास ही UPSC का प्रयास है। बस ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ।